हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर सृष्टि वर्मा। आज मैं आप सबके सामने बहुत दिनों के बाद आई हूँ। ये कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं आपके सामने क्यों नहीं आ रही थी। क्या बात हो गई थी, मैं इतने दिनों तक मतलब वीडियो नहीं बना पाई, और शायद आगे भी बना पाऊँ या ना बना पाऊँ वो मेरी अपनी इच्छा है। ऐसा है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दो। बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग किया जा रहा है, गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं मुझे। तो मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ सिर्फ वीडियो, कि मैं धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह भी नहीं हूँ जो चुपचाप घर में बैठ जाए डर के मारे, वैसी भी नहीं हूँ। मुझे इतना तंग, मुझे इतना परेशान मत करो कि मैं YouTube चैनल पर तुम्हारे सारे चिट्ठे खोल दूँ अगर तुम हटे ना। मेरे पास सभी रिकॉर्डिंग, सभी विद फोटोज विद रिकॉर्डिंग, सभी प्रूफ है मेरे पास। अगर मैं चाहूँ मुझे 2 मिनट लगेंगे। मैं यूं यूं सबको बता सकती हूँ, सबको दिखा सकती हूँ, बट मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रिश्तों की अहमियत का पता है। अगर तुम लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते तो शौक हमें भी नहीं है रिश्ता रखने का, बट अगर आपने पब्लिकली कुछ ऐसा किया या अपने गंदे कमेंट्स करने बंद ना किए तो मुझे मजबूरी में कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग होगे, मैं नहीं होंगी, सिर्फ तुम लोग होगे। मुझे इसलिए इतना मजबूर ना करो, मुझे इतनी धमकियाँ ना दो कि मैं तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगा या करवा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम में जितना जोर है ना तुम लगा लो चैनल बंद करने का, जितना जोर है लगा लो। ये जो धमकियां नहीं किसी और को देना, किसी और को डराना, और मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये ऐसे काम करने बंद कर दो। मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं अपना चैनल आगे लेकर जाऊंगी, मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन सबके लिए वीडियो बनाऊंगी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और जिनके इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि आप डेली वीडियो बनाओ, आप डेली वीडियो बनाओ। तो मैं बनाऊंगी, उन सबके लिए बनाऊंगी जो मुझे प्यार करते हैं, जब मेरा हस्बैंड मुझे मना नहीं करता। तो तुम लोग कौन हो, कौन हो तुम लोग? सो गाइस, मैं आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद आई हूँ। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अब आऊँगी नहीं, आप मैं आ रही हूँ सिर्फ आप सबके प्यार के चलते। मुझे बहुत प्यार करते हो आप सब, इसलिए मैं आ रही हूँ। और चैनल बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गाइज, मैंने आज से सोचा कि मैं अपने डेली ब्लॉग्स ही आप सबके सामने लेकर आया करूँगी, क्योंकि ना मेरे चैनल पर खिचड़ी सी बन चुकी है। क्या गैग वीडियोस, क्या पायल की छन छन, क्या व्लॉग्स, क्या मेकअप, सब कुछ है मेरी मेरे चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा। बट जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा मन नहीं मानता, कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं व्लॉग्स ही आगे चलाऊँ, या कुछ मेकअप मेकअप रिलेटेड वीडियोस हो या व्लॉग्स हो, मुझे ये दो चीज़ें बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ये सिर्फ दो चीज़ें ही आप सबके लिए लेकर आया करूँगी। आज दिन है बुधवार और टाइम अभी जस्ट अभी टाइम देख देती हूँ, 4:26। हाँ, अभी 4:26 का टाइम है और दिन है आज बुधवार। तो बुधवार से अच्छी स्टार्टिंग करते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं, सभी टेंशनों को, सभी झंझटों को पीछे छोड़ते हैं। तो आज हमने मेथी ली थी, ऐसे भी बुधवार के दिन बहुत अच्छी होती है हरी सब्जी, तो वैसे ही आ गया भाई बाहर, तो पापा बोलते ही लेनी है, तो मैंने बोला भी ले लो, अच्छी लगती है। उसकी हमने परोंठी बनाई नाश्ते में, तो मेथी को कट करके हमने आटे में गूंथ लिया, नमक मिर्च डाल दी, अजवाइन डाल, बढ़िया परोंठी बन गई, मज़ा आ गया आज नाश्ता करने का। तो अभी हमने रात की तैयारी करनी है। मैं जो मेथी है मैंने काट के साफ़ करके रखी हुई है, बट उसको पानी में धुलना बाकी है। तो आज बनाएंगे हम आलू मेथी। मेरी वीडियोज़ को पसंद करता है, व्लॉग्स की वीडियोज़ को, तो उन सबके लिए खुशखबरी है कि मैं अब डेली व्लॉग ही आप सबके लिए लेकर आया करूँगी। तो डेली व्लॉग का ये होता है कि हमने जो काम करना है मैं सब आपके साथ शेयर करा करूँगी। हमारे घर कौन आया है, कौन नहीं आया है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, ये सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करा करूँगी, ये मेरा मन है।
तो प्लीज़ आप आज से, अभी से सिर्फ आप ही मेरी फैमिली हो और मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं ध्यान भी नहीं देना चाहती कहीं और भी। तो अब आप ही सिर्फ मेरी फैमिली हो, तो मुझे अपनी इस फैमिली से पूरा प्यार चाहिए, तो मुझे प्लीज़ मुझे पूरा प्यार देना आप। इसलिए मैंने यही सोचा कि हाँ ठीक है, डेली ब्लॉग्स ही ठीक है। तो आज मेरा ना सूट पहनने का बहुत मन कर रहा था, मैंने आज सूट पहना अपना वाइट कलर का। ये आप सबको बहुत अच्छा लगता है, सभी ने मुझे बोला है कि वाइट कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि अब गर्मी आ गई है, ठंड भाग रही है, बट क्या हुआ कि आज जब भी मैंने सूट पहना तो बादल बन गए, हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है, इतनी ठंडी लग रही है, नाक भी मेरा बंद हो गया। तो अभी मैं इस सूट को उतारती हूँ, बहुत पहन लिया, अभी घंटा भी नहीं हुआ पहने हुए, ठंड से कांप रही हूँ मैं। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं ऊपर देख कर आऊँगी मशीन में कौन कौन से कपड़े अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने सारे वॉश नहीं किए थे, नीचे आ गई थी मैं, ऊपर हवा बहुत चल रही थी। तो देखती हूँ ऊपर कितने कपड़े पड़े हुए हैं अभी धोने के लिए, वो कल धोऊंगी, आज तो दिन बस ढल गया, अभी रात की तैयारी करनी है सब्जी खाना वगैरह की। और पहले चेंज कर लेती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, मैंने चेंज कर लिया है और चलो चलते हैं छत पे, देख के आते हैं। आज ना मैंने पायलें पहनी हुई है, छन 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 कर रही है बहुत दिनों बाद मन हुआ कि पहना जाए और थोड़ा सा रेडी हुआ हुआ जाए, तो रेडी भी हो गई थी आज मैं थोड़ी सी। कपड़े पड़े हुए हैं अभी मशीन में, कपड़े अभी पड़े हुए हैं, पानी गंदा हो गया, काला हो गया, तो निकालती हूँ इन कपड़ों को। नन्हे आदित्य, आप क्या करने आए हो बेटे? क्या इधर देखो, क्या करने आए हो? पकड़ 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 स्टैंड लाना भूल गई ऊपर, तो ऐसे ही उठाया हुआ है। ये चादरें मैंने वॉश की थी। हवा देखो कितनी चलती हुई है। वाह, बादल देखो आप। माय गॉड, इतने सारे बादल। गाइस, मैं आ गई हूँ अब किचन में। किचन में मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें तेल गरम होने को रख दिया था, तेल हो गया गरम, और इसमें मैंने दो प्याज काट के रखे हुए थे प्लेट में और वो डाल दिए हैं। टमाटर मैंने इसमें नहीं मिलाए हैं, सिर्फ मैंने इसमें मिलाए हैं प्याज, अदरक लहसुन कुछ भी नहीं मिलाया है, बिल्कुल सिंपल रखी है सब्जी।
और पास में ही मैंने मेथी काट कर रख ली है। जब प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैं उसमें डाल दूंगी। अब मैं प्याज में डाल रही हूँ धनिया, सॉरी अजवाइन और हल्दी डाल दूंगी मैं। मुझे थोड़ी कम लगी इसलिए मैं थोड़ी सी और ज़्यादा डाल दूंगी। अब मैं उसको चलाती रहूंगी साथ के साथ ताकि प्याज नीचे ना लगे। और अब इसमें मैं धुली हुई और कटी मेथी डाल दूंगी। मेथी पक चुकी है और इसको 5 मिनट हो गए थे रखे हुए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू जो मैंने काट कर साफ कर लिए थे। छिलके उसके नहीं उतारे क्योंकि आलू बहुत छोटे थे, लाल आलू थे, इसलिए इसके छिलके मैंने रहने दिए। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। उसमें मिला रही हूँ मैं अब नमक टेस्ट अनुसार। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। अब गाइस मैंने सब्जी को चढ़ा लिया है और अभी मिर्ची उसमें नहीं डाली है, हरी मिर्ची भी नहीं डाली, अभी लाल मिर्ची भी नहीं मैंने डाली है। तो पक रही है, थोड़ी सी पक जाएगी तो मैं उसमें डाल दूंगी लाल मिर्ची। और अभी तकरीबन टाइम हो गया है 7:15 का, तो सब्जी मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी कसर है उसमें। तो आटा मेरा तैयार है, बस चपाती बनानी रह गई है। ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म है किचन का। और आरुष अभी सोया है जस्ट, मेरी गुड़िया उसको सुला रही है। और मैंने बर्तन वगैरह थोड़े करने हैं, सब्जी बनाते हैं तो थोड़े बहुत हो जाते हैं बर्तन, तो अभी बर्तन करने बाकी हैं। सोचा चलो थोड़ी देर आपसे बात की जाए। तो मैं अंदर वाले रूम में बैठी हुई हूँ, बाहर बहुत हवा चल रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं बैठी, क्योंकि पहले मेरा सिर इतना दुख रहा है, यहाँ से बहुत फट रहा है, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। इस कमरे में हवा वगैरह नहीं आती, आती है यहाँ से, मैंने डोर बंद कर रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये सारी खिड़कियाँ मैंने दरवाजे बंद करे हुए हैं, उधर वाला सामने वाला खुला है जिससे हम एंटर करते हैं अंदर की तरफ, वो खुला है, लेकिन कर्टेन मैंने करा हुआ है तो हवा नहीं आ रही है। साथ वाले रूम में पापा टीवी देख रहे हैं, धड़कन फिल्म आ रही है, धड़कन फिल्म बहुत अच्छी है। और गुड़िया भी वहीं पर काके को सुला रही है, वो सो रहा है वहाँ पर, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और ये गए हैं काम पे, बिछुए डाले थे मैंने, बिछुए ये वाले निकल गए मेरे पैर से, मैं डालती नहीं, मुझे आदत नहीं है इसलिए ना, ये मतलब अलग सा कुछ लग रहा कि पता नहीं क्या डाला हुआ मैंने। तो अभी इसको उतार देती हूँ, नहीं तो सोते वक्त अड़ेंगे बिस्तरे में। एक एक पहना हुआ है और एक एक मैंने उतार लिया इसको। अभी सोच रही हूँ कि मैंने जो ये नथनी मैंने डाली हुई है, ये काफ़ी बोलते हैं कि आप नाक में कोका डालो आपको अच्छा लगेगा, आपके अच्छा लगेगा, तो सोच रही हूँ कि मैं कोका लेकर आऊँ। अभी है नहीं मेरे पास, इसलिए ये नथनी ही मैंने डाली हुई है। कपड़े तो ऊपर ही सूख रहे हैं, मैंने ऊपर ही ग्रिल पे डाल दिए थे, थोड़े से मैंने तारों पर लटका दिए थे, हवा चल रही थी, हवा से सूख जाएंगे, अगर नीचे लेकर आती तो कपड़े कपड़े नीचे हो जाते, अच्छे नहीं लगते, गीले कपड़े ही वैसे ही बहुत स्मेल चढ़ती है, तो इसलिए वो ऊपर ही सूख रहे हैं कपड़े। और आज मैंने सिर भी धोना है, ये गंदा हो गया सिर बहुत, कल वीरवार है, वीरवार को हम सिर नहीं धोते, तो बाल बहुत रफ रफ से हुए पड़े हैं, हल्के भी हो गए हैं बाल। आप सबके पास कोई बालों को अच्छी ग्रोथ के लिए या बाल हैवी के लिए कुछ उपाय हो तो मुझे बताना प्लीज़, कमेंट कर देना मुझे। मेरे बाल बहुत हल्के हो गए, पहले बहुत भारी होते थे, क्या बन गए मेरे बाल झाड़ू से।
चलो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। वहाँ पे मेरी शायद सब्जी भी हो चुकी होगी। मैं अपनी सब्जी देखती हूँ और आप सबसे लेती हूँ विदा, और मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाय।